अ स्मूथ सी नेवर मेड अ स्किल्ड सेलर। यस दोस्तों, बिना चैलेंजेस के कोई ग्रो नहीं कर सकता और स्टॉक मार्केट का भी यही फंडा है। आई एम स्मिथ ठक्कर एंड दिस इज एस्प्रेसो बूट कैंप। हियर यू विल लर्न स्किल्स दैट विल हेल्प यू टू नेविगेट योर स्टॉक मार्केट जर्नी। स्टॉक मार्केट में भी चैलेंजेस आते हैं ट्रेंड्स के रूप में, पर ये ट्रेंड्स हम समझेंगे कैसे? डोंट वरी, इसका जवाब है डॉ थ्योरी। आज बात करेंगे बहुत ही फेमस डॉ थ्योरी के बारे में। अगर आपको इससे डॉ जोन्स यूएस इंडेक्स याद आ रहा है तो यू आर थिंकिंग इन द राइट डायरेक्शन। चार्ल्स डॉ वॉल स्ट्रीट जर्नल के फाउंडर ने ही इस थ्योरी को 1900 में इंट्रोड्यूस किया था। आई नो बहुत ही पुरानी थ्योरी है, लेकिन आज भी उतनी ही रेलेवेंट है। मॉडर्न टेक्निकल एनालिसिस इसी पे बेस्ड है। चार्ल्स डॉ वॉज द को फाउंडर ऑफ डॉ जोन्स एंड कंपनी। ही इंट्रोड्यूस्ड DJTA और DJIA इंडाइसिस इन द US मार्केट। इस थ्योरी के हिसाब से हम किसी भी ट्रेंड को आइडेंटिफाई करके कंफर्म करते हैं कि वो बना है या नहीं। अकॉर्डिंग टू डॉ थ्योरी, अगर प्राइस पिछले टॉप या बॉटम को ब्रिज करके आगे निकल जाए तो हम उसे ट्रेंड कह सकते हैं। इसका मतलब अगर प्राइस हायर हाई और हायर लो बना रहा है तो उसे अप ट्रेंड इंडिकेट होता है, और अगर लोअर हाई और लोअर लो बना रहा है तो डाउन ट्रेंड इंडिकेट होता है। इसके साथ दोनों इंडेक्स DJTA और DJIA एक साथ एक ही डायरेक्शन में मूव होता है तो ट्रेंड कंफर्म होता है। डॉ थ्योरी के 6 प्रिंसिपल्स हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल है मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग। स्टॉक मार्केट में चाहे किसी भी तरीके की हलचल मची हो, सब चार्ट पे दिख ही जाता है। सेकेंड प्रिंसिपल है 3 ट्रेंड्स ऑफ द मार्केट। स्टॉक मार्केट में 3 इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और माइनर। प्राइमरी ट्रेंड एक मेजर ट्रेंड होता है, सेकेंडरी और माइनर ट्रेंड इसी के अंदर आते हैं। तीसरा प्रिंसिपल है प्राइमरी ट्रेंड हैज 3 फेजेस, एक्यूमुलेशन फेज, पब्लिक पार्टिसिपेशन फेज और डिस्ट्रीब्यूशन फेज। चौथा प्रिंसिपल है इंडाइसिस शुड मूव टूगेदर। इस थ्योरी के हिसाब से बुल मार्केट और बेयर मार्केट तब तक स्टार्ट नहीं होते जब तक इंडाइसिस साथ में मूव ना करें। फिफ्थ प्रिंसिपल है वॉल्यूम शुड फॉलो द ट्रेंड। अप ट्रेंड में जब मार्केट बढ़े तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होना चाहिए, और जब गिरे तो वॉल्यूम भी डिक्रीज होना चाहिए। वैसे ही डाउन ट्रेंड में जब मार्केट गिरे तो वॉल्यूम इंक्रीज होना चाहिए, और जब वापस मार्केट उठे तो डिक्रीज होना चाहिए। दिस कन्फर्म्स अ ट्रेंड। सिक्स प्रिंसिपल है अ ट्रेंड इज इन प्लेस अंटिल अ डेफिनेट सिग्नल कन्फर्म्स अ रिवर्सल। एक ट्रेंड तब तक चेंज नहीं होता जब तक एक डेफिनेट रिवर्सल पैटर्न ना दिखे। लेकिन ध्यान रहे, किसी भी ट्रेंड को देखकर ट्रेड करने से पहले ये कंफर्म करना चाहिए कि कहीं वो करेक्शन तो नहीं है। उम्मीद है आपको डॉ थ्योरी के बेसिक समझ में आ गए होंगे। आप इसके बारे में और डिटेल्स हमारी वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड वॉच आवर वीडियो सीरीज एस्प्रेसो बूट कैंप। टेल अस व्हाट यू थॉट ऑफ दिस वीडियो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। सी यू विद अनदर टॉपिक फ्रॉम द फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ स्टॉक्स। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.